रविवार को एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हां, बात हो रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस तस्वीर की, जब वो नाला पार करने के लिए सिपाहियों की गोद में जा बैठे। पुलिस वालों की गोद को पालकी बनाकर पानी पार करने की तस्वीरें वायरल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के निशाने पर हैं। इस तस्वीर में वो बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेते वक्त पुलिस वालों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उन्हें अपने कपड़ों और जूतों के भीग जाने का डर था? क्या मुख्यमंत्री महोदय जूतों को गीला होने से बचाने के लिए पुलिस वालों की गोद में जाते हुए नजर आए? रविवार को मुख्यमंत्री पन्ना जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें एक जगह नाला पार करना था। उन्होंने अपने काफिले को रोकने नहीं दिया और होमगार्ड के जवानों का सहारा लेते हुए नाला पार किया। लेकिन इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान की काफी आलोचना हो रही है। वहीं सीएम ने इस मसले पर सफाई देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने बस इतना कहा कि वह ना तो खंडन करना चाहते हैं ना मंडन। वैसे बड़े नेता हवाई दौरे के लिए ज्यादा जाने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, कम से कम जूता बचाकर ही सही पब्लिक के बीच दुख दर्द तो जान ही रहे हैं। अब बहुत मुमकिन है कि आगे से ऐसी तस्वीरों की किरकिरी से बचने के लिए वो कोई नया रास्ता अख्तियार करेंगे। देखते रहिए डीबी लाइव।